रशीद फर्स्ट टू तो ठीक है, थर्ड और ट्राई करो। हाँ फैजान, उसको वो थ्योरी थी उसको कंटिन्यू करना है मुझे। पहले ये 3 सॉल्व कर लो, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हैं, हमें छूट जाएगा। भाई कैलकुलेट करो सर,
चलो भाई सॉल्व करना शुरू करते हैं। ज्यादातर लोगों के तो आंसर सही आ रहे हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट पार्ट तो बड़ा ट्रिवियल है, ये वन और ये वन सीरीज में। पहले मैं सिर्फ इतने सेक्शन का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं। 101 सीरीज 2 हो गया, 202 सीरीज 4 हो गया, तो ये आ गया 2 ओम, ये आ गया 4 ओम। 2 ओम और 4 ओम पैरेलल में, तो अगर इतना जो मैं सेक्शन है इसका रेजिस्टेंस R1 कह देता हूं, मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं पहले, R1 का रेजिस्टेंस क्या होगा 2 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो इट्स 2 इंटू 4 बाय 2 प्लस 4 विच इज 8/6। सो R1 आ गया इट्स 4/3, सो दैट्स R1 मिल गया। R1 के बाद देखो ये R1 और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सब आइडेंटिकल है, और सारे सीरीज में कितने सीरीज में लगे हुए हैं, 4 सीरीज में। सो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 4R1, वो होगा 4 × 4/3, ये आ जाएगा 16/3। हाँ सनाउल बस अभी शुरू हुआ, 16/3 हो मुझे। सेकंड देखिए, ये तो ट्रिवियल है, आर 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 आर, ये सारे कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, तो ये आर इक्विवेलेंट हो जाएगा इट्स आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर 5 आर हो जाएगा। तो ये आर इक्विवेलेंट फर्स्ट पार्ट का आ गया, ये 5 आर सेकंड पार्ट का आ गया। इसमें कोई डाउट है, कोई डिस्कशन है तो बताइए, फिर थर्ड पार्ट करते हैं, इनफाइनाइट सर्किट है। अगर ये दोनों पार्ट्स लिख लिए बताओ मुझे, मैं इसको रब करता हूँ, फिर हम थर्ड पार्ट शुरू करेंगे। अगर फर्स्ट 2 पार्ट्स लिख लिए हैं तो बताइए, फिर थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये थर्ड वाला पार्ट, ये इनफाइनाइट सर्किट है जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहां मैंने आपको सिखाया था दिस इज एन इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज में पहला काम होता है कि आप रिपीटेशन वाली टर्म ढूंढो, कौन सी टर्म है जो रिपीट कर रही है। तो यहां देखो ये वाली जो टर्म है ये टर्म रिपीट कर रही है, कितनी बार रिपीट कर रही है, इनफाइनाइट टाइम, ये टर्म रिपीट कर रही है, और ये रिपीट भी कर रही है तो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट। तो आप एक काम करो, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कुछ अज्यूम कर लो, रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट सर्किट इज आर। ये जो पूरा सर्किट है इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा दैट रेजिस्टेंस इज आर। अब उसमें ये जो रिपीटेशन वाली टर्म है, इस रिपीटेशन वाली टर्म को एक बार और ऐड कर, इसमें एक रिपीटेशन वाली टर्म और ऐड कर दीजिए,
ऐड कर दिया आपने, अभी जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, अभी जो रेजिस्टेंस होगा ये रेजिस्टेंस आर रहेगा, ये तो हो रहा है ना, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। ये सेम सर्किट मैंने कैपेसिटर में भी सॉल्व करवाया था कि इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, एक बार और अगर रिपीट कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले मैंने रिपीटेशन वाली टर्म ढूंढी, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा है, पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस आर ले गया, एक रिपीटेशन वाली टर्म और ऐड कर दी, लॉजिक कहता है अब भी आर रहना चाहिए। तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर और वन कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, आर इंटू वन बाय आर प्लस वन पैरेलल हो गया। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ वन और वन सीरीज में, वन प्लस वन इज इक्वल टू आर। यहां तक बताइए मुझे, इसमें कोई प्रॉब्लम है? पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आर माना, एक रिपीटेशन वाली टर्म और ऐड करी, लॉजिक कहता है जो चीज इनफाइनाइट टाइम्स ऐड हो रही है उसको एक बार और अगर रिपीटेशन वाली टर्म को ऐड कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया आर और वन पैरेलल में, उसके पैरेलल के साथ वन और वन सीरीज में आर हो गया। भाई यहां तक बताइए क्लियर है ना सबका? आगे बढ़ू से आगे, फैजान सो देखो ये आ जाएगा, इट्स आर बाय आर प्लस वन प्लस टू इज इक्वल टू आर, सो इट्स आर प्लस टू आर प्लस वन इज इक्वल टू आर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, इट्स आर प्लस टू आर प्लस वन इज इक्वल टू आर इन टू आर प्लस वन, ये आ गया। सो ये आया आर प्लस टू आर प्लस टू, इट्स आर स्क्वायर प्लस आर। ये कितना आ गया, थ्री आर प्लस टू इज आर स्क्वायर प्लस आर, सबको राइट में ले जाओ, सो यू हैव जीरो इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर माइनस थ्री आर माइनस, तो ये आ गया आर स्क्वायर माइनस टू आर माइनस माइनस टू आर माइनस। अब ये इक्वेशन है कि आर स्क्वायर माइनस टू आर माइनस टू इक्वल टू, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यहां से एक्स आता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू, तो यहां से आर आ गया, बी की जगह कितना आ रहा है माइनस टू, तो ये प्लस टू हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर विच इज फोर माइनस फोर इंटू ए विच इज वन इंटू सी विच इज माइनस टू डिवाइडेड बाय, तो ये आर आ गया टू प्लस माइनस रूट ओवर फोर एट ट्वेल्व बाय, तो ये आर आ गया टू प्लस माइनस ट्वेल्व को लिख सकते हैं फोर इंटू थ्री बाय, स्पेस नहीं मेरे पास, इतना लीजिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। फैजान का आ रहा है टू प्लस स्क्वायर रूट थ्री, ठीक है फैजान, यार टू नहीं आएगा फैजान, जरा ढंग से देखो एक बार,
मुझे नहीं लगता कि टू आएगा, थ्री आएगा, वन आएगा, वन वन प्लस स्क्वायर रूट थ्री। हाँ वन प्लस रूट थ्री, हाँ 2.7 थ्री। मान अगर तुमने रूट नेगेटिव ले लिया तो रेजिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा, सो आर इज टू आपने कॉमन लिया, ये बचेगा वन प्लस माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू। क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहां किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसे इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अमान अगर दोनों पॉजिटिव आ जाए तो दोनों ले लो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैंने जहां तक मुझे याद है मुझे कभी दो रिजल्ट दिखे नहीं। 1.7 इज रूट सेवन इज 1.73, वन माइनस 1.73 सो आ गया 2.73 और ये माइनस 0.73, तो रेजिस्टेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, रेजिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होगा। अरे आर से आर कैसे कैंसिल कर दूं सनाउल, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना इससे, पूरा कॉमन आ सकता आर तो कैंसिल होता, यहां कैसे कैंसिल हो जाएगा बताओ। सो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आया दैट इज 2.73। चलो भाई अपने क्वेश्चन सब बताओ। सो मानुल का क्वेश्चन है अगर दोनों पॉजिटिव हो जाते तो दोनों हो जाते, दोनों आंसर्स होते, इसकी बात कर रहे हो। अच्छा हाँ तो एक ही बात है, आर से आर कैंसिल कर दो तब भी तो टू आर ही बचेगा, वही टू आर ही तो लिखा है मैंने। राशिद अभी आ रहे हैं, अभी करंट निकालेंगे। दीपांशी यूजुअल सीरीज और पैरेलल के मेथड से नहीं हो सकता, इनफाइनाइट है, यूजुअल सीरीज और पैरेलल के मेथड से नहीं हो सकता। इनफाइनाइट सर्किट से इनफाइनाइट कहां तक ऐड कर रही हो, लिमिटेड तो है ही नहीं, तो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। हाँ जोहेब किरचॉफ लॉ से हो जाएगा, मोटअप दो वैल्यूज कहां आ रही है, एक नेगेटिव रेजिस्टेंस आ रहा है, रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता सिर्फ पॉजिटिव होगा। दीपांशी यूजुअल सीरीज और पैरेलल के मेथड से एरर्स बहुत ज्यादा आएंगे क्योंकि ये यहां खत्म नहीं हो रहा है, तो आगे इंफिनिटी तक बढ़ता चला जाएगा। नहीं इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं। मोटा दिखा तुम्हें, ये तो माइनस है ना, रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, 2.73 होगा। चलो जी और किसी के कोई डाउट नहीं है, कोई डिस्कस नहीं करना, अब करंट कैलकुलेट करते हैं। उसने कहा था करंट कैलकुलेट कर, यूजुअली वन वैल्यू आती है, यहां दो आ रही है लेकिन एक नेगेटिव है। यूजुअली हमेशा ऐसे ही होगा कि एक पॉजिटिव रूट आएगी दूसरे नेगेटिव रूट आएगी जब आप सर्किट सॉल्व करो, बहुत रेयर केस में कभी ऐसा होगा कि दोनों पॉजिटिव आ रही हो, तो आप कहोगे दो आंसर, बट जहां तक मुझे याद है मैंने कभी कोई न्यूमेरिकल नहीं देखा जहां दो आ रहा हो, एक ही रूट आ रहा।
अच्छा अब इसके बाद आपको करंट चाहिए, तो देखो बड़ा आसान है, ये है रेजिस्टेंस आर, ट्वेल्व वोल्ट आपने लगाया, 0.5 आपने रख दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस है, करंट क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आई आ गया 12/2.73 प्लस 0.5, तो आई आ गया 12/3.23 आ गया। So, अगर इनफाइनाइट सर्किट प्रॉब दिया हुआ है तो ऐसे आप करोगे, रिपीटेशन वाली टर्म ढूंढोगे फिर उसे सॉल्व करो, डायरेक्ट करने की गलती मत कर देना। चलो भाई इतना लिख लिया सबने, इसे रब करते हैं। इसके बाद हम किरचॉफ लॉ कर रहे थे, सो बैक टू किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ में मैं आप लोगों को साइन कन्वेंशन बता चुका था, साइन कन्वेंशन हमने डिस्कस कर लिए थे, हाँ हाँ उसी को कह रहा। सो लास्ट हमने वेडनेसडे छोड़ा था किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीए, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम लूप लॉ भी कहते हैं। क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, बस मैं सिखा रहा था आपको लूप लॉ अप्लाई कैसे करें, अभी तो क्वेश्चन का टाइम ही नहीं। अच्छा एक बार लॉग आउट कर लॉग इन करो, इंटरनेट के इश्यू की वजह से आता है। क्या वो विजिबल नहीं है भैया, दिख रहा है? दिख नहीं रहा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अब विजिबल है स्क्रीन? सो किरचॉफ वोल्टेज लॉ और लूप लॉ, इसमें हमने जो साइन कन्वेंशन किए थे, जरा सा वो साइन कन्वेंशन से एक बार देख लो। साइन कन्वेंशन था राइज जो होगा पोटेंशियल में, उसे पॉजिटिव कहा था। एक बार अपने नोट्स को भी देख लो, फॉल इन पोटेंशियल को हमने नेगेटिव कहा।
मैंने डिस्कस किया था कि अगर ये सेल है और मैं सेल में राइट में जा रहा हूँ, मीन्स नेगेटिव से पॉजिटिव, तो राइज होगा और सेल के ईएमएफ को पॉजिटिव लेते हैं। मैंने ये भी कहा था अगर सेम सेल है, आप ऐसे जा रहे हो राइट में फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फॉल होगा तो इसी ईएमएफ को हम नेगेटिव लेते हैं। इसी में मैंने आपको बताया था कि अगर एक रेजिस्टर है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है और आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, मूवमेंट अगर करंट की डायरेक्शन में, तो फॉल इन पोटेंशियल नेगेटिव। अगर ये रेजिस्टर है और आप करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, ये सब ऊपर वाला जो एरो है, ये मैंने पहले भी लिखवाया था, ये आपके मूवमेंट का डायरेक्शन, तो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा दैट विल बी पॉजिटिव, वी इज इक्वल टू आई आर। अब उसे फिर सिखाना था किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कैसे करते हैं। स्टेटमेंट लिखवा दिया था मैंने किरचॉफ वोल्टेज लॉ का, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन अ क्लोज लूप इज जीरो। It's E1, R1, E2, R2, E3। ये मान लीजिए सर्किट दिया हुआ है आपको, कुछ सेल्स दिए हैं, कुछ रेजिस्टेंस दिए हैं, सर्किट का कुछ नाम दे देते हैं, दिस इज ए बी सी डी, और इस सर्किट में कुछ करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स से दैट करंट इज आर। अभी इंटरनल रेजिस्टेंस ले लो चाहो तो कोई परेशानी नहीं, या ले लो, चलो इसको इंटरनल रेजिस्टेंस ले लो, या स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस हो या ना हो, मतलब अगर है तो वो भी इक्वेशन में आना शुरू हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब ये आपके पास सर्किट है, इस सर्किट में काउंट करो कितनी जगह वोल्टेजेस होंगे, एक सेल का वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा, आर1 के अक्रॉस वोल्टेज होगा, ई2 है, R2 के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा, E3। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है कि जितने भी वोल्टेजेस हैं इन सब का एल्जेब्रिक सम जीरो होगा, तो आपको इन सबको ऐड करना है और सबको ऐड करने के बाद जीरो हो जाएगा। बट ऐड करने के लिए किसी एक सीक्वेंस में जाओगे ना, या तो क्लॉकवाइज जाओगे या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपकी चॉइस है आप कैसे जाना चाहते हो। आप क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हो लूप में, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, सिंपली आपकी चॉइस। मैं दो एग्जांपल्स ले लेता हूं, एक बार क्लॉकवाइज से ले लेते हैं, फिर इसी को एंटी क्लॉकवाइज से ले लेंगे, आंसर सेम आएगा तो आपको दिख जाएगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चॉइस से इफेक्ट नहीं होता। तो ये जो मैंने बनाया है, ये रेड से जो मैं बना रहा हूँ, ये आपके मूवमेंट का डायरेक्शन, दैट मीन्स आप लूप में ऐसे मूव कर रहे हो, ए, तो मैं केवीएल यूज कर रहा हूँ, यूजिंग केवीएल इन ए बी सी डी ए। ये जो लूप ए बी सी डी ए है, इस ए बी सी डी ए लूप में हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है, केवीएल अप्लाई। तो देखो यहां पहले ए से बी चलते, जब ए से बी जाएंगे तो हा ये मूवमेंट के डायरेक्शन है ए से बी। जरा बताओ इवन, हाई से लो जा रहे हैं, लो से हाई जा रहे हैं। अगर ए से बी जा रहा हूं तो सेल ई वन में हाई से लो जा रहे हैं, हाई से लो फॉल होगा, फॉल इज नेगेटिव, सो इट्स माइनस ई। इस इंटरनल रेजिस्टेंस में देखो करंट भी ए से बी, मूवमेंट भी ए से बी, तो राइज है या फॉल है पोटेंशियल। देखो यहां अगर आप करंट की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वोल्टेज फॉल होता है, पोटेंशियल में फॉल आता है, वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव होता है। सो अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इट्स माइनस ऑफ आई आर, वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव हो जाएगा, माइनस आई आर। जिस स्टेप पर डाउट हो मुझे वहीं रोकना, बिल्कुल स्टार्टिंग से तो फिर समझाना मुश्किल हो जाता है। ए से बी क्लियर है सबका, कोई है जिसको ए से बी में डाउट हो,
क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस एग्जाम्पल से सीख जाओगे तो आगे मैं तेजी से जा पाऊंगा. ए से बी किसी को कोई डाउट नहीं. बी से सी आते हैं. जब आप बी से सी जा रहे हो तो करंट भी डाउनवर्ड्स, मोशन भी डाउनवर्ड्स. कैसा होगा वोल्टेज ड्रॉप, पॉजिटिव या नेगेटिव? बजात हाँ इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन जरा सीख लो ताकि कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व हो जाए. बी से सी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फॉल होगा, तो ये आएगा माइनस ऑफ आई आर वन. फिर सी से जब आप डी जाओगे तो पहले सेल आ रहा है, बताओ सी से डी में सेल का ईएमएफ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव. हाई से लो जा रहे हैं तो नेगेटिव. So minus of E. उसके बाद D से A आ दो. जब आप D से A जा रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस R2 है. आप रेजिस्टेंस R2 में करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो. जब आप करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ आई आर टू. फिर यहां देखो सेल में हाई से लो फॉल माइनस ई थ्री इज इक्वल टू सी. इसमें बताइए किसी को कोई डाउट है इस इक्वेशन में? अब से आप जो सर्किट सॉल्व करोगे ऐसी ही इक्वेशंस के थ्रू करेंगे. अब ये तो मैंने क्लॉकवाइज लिया था, अब इसी में एंटी क्लॉकवाइज लूप ले लो. लूप एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं और चेक करते हैं कि ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो जैसे आप लूप लोगे एंटी क्लॉक वाइज, यहीं से हम लूप ले रहे हैं बी ए डी सी डी. बी से ए जा रहे हैं. जब बी से ए जाओगे तो अब बताओ आर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस बी से ए जा रहे हो, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप विल बी पॉजिटिव प्लस आई आर. यहां आ जाओ सेल में, आ जाओ सेल में. आप जा रहे हैं लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल, राइज हो रहा है. लोअर से हायर है ना राइज, तो ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगा. अब ए से डी आओ, सेल में लो से हाई जा रहे हैं राइज हो रहा है. R2 देखो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव हो जाएगा. E2 देखो लोअर से हायर जा रहे हैं राइज हो रहा है. C से B जा रहे हैं करंट डाउनवर्ड्स आ रहा है, मोशन अपवर्ड्स प्लस IR1 is. ये इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू, जरा कंपेयर कर लो दोनों को. सेम इक्वेशन है या डिफरेंट इक्वेशन है? वन और टू बताइए जरा, वन और टू सेम है डिफरेंट है? सेम इक्वेशन है. इस पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगी सेम इक्वेशन, कोई फर्क नहीं. तब आपकी मर्जी है, आप क्लॉकवाइज लूप लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज लूप लीजिए, कैसा भी आप लूप लो रिजल्ट आपका सेम आएगा. उसकी टेंशन नहीं लेने की लूप क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज. एक चीज और, मुझे नहीं पता यहाँ एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है. कौन सा वाला मान, कौन सा वाला लूप, क्लॉकवाइज लूप एंटी क्लॉकवाइज लूप, कौन सा? तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज लूप में बी से ए जाते हैं. जब बी से ए जाएंगे ये रेजिस्टेंस है, करंट राइट में है, मूवमेंट लेफ्ट में हो रहा है. जब आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव होगा आई आर. फिर ई एम एफ ई वन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, राइज हो रहा है, सो प्लस ई वन.
फिर ए से डी जा रहे हो, पहले नेगेटिव टर्मिनल फिर पॉजिटिव टर्मिनल, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो फिर राइज हो जाएगा प्लस ई थ्री। फिर ये रेजिस्टेंस है आर टू, करंट ऊपर जा रहा है मूवमेंट डाउनवर्ड्स है तो प्लस आई आर टू। फिर आप डी से सी जा रहे हैं, लोअर से हायर, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो राइज हो रहा है, राइज इज प्लस ई टू। फिर सी से बी देखो, हमारा मोशन डाउनवर्ड्स है, मूवमेंट अपवर्ड्स है, करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस आई आर वन। सो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लूप की इक्वेशंस में सिर्फ एक नेगेटिव साइन का फर्क है, ये नेगेटिव साइन का फर्क बता रहा है कि इक्वेशन सेम है, कुछ नहीं। अच्छा, और डाउट था, तौहीद का सर एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए, कैसे तौहीद कैसे डिसाइड कर कि डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए? तो एक प्रॉब्लम इस सर्किट के साथ है, सारे सेल्स ऐसे कनेक्ट नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता सर्किट के अंदर के सारे ही सेल चार्ज होना शुरू हो जाए, तो चार्ज होगा तो कहीं कुछ डिस्चार्ज भी होगा, करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा। हाँ, तो यहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन एक्चुअल डायरेक्शन रिवर्स हो सकता है, और वो सर्किट सॉल्व करके भी पता चल जाता है, जो तुम इक्वेशन से ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो सर्किट सॉल्व करके भी पता चल जाएगा। अगर आपने सर्किट सॉल्व किया और करंट आपका नेगेटिव आ जाता है, तो करंट नेगेटिव होने का मतलब है आपने जो डायरेक्शन लिया था वो डायरेक्शन गलत है, एक्चुअल डायरेक्शन इसका रिवर्स होगा। सर्किट देखकर डिसाइड करना पॉसिबल नहीं होता कि एक्चुअल डायरेक्शन क्या है सर्किट में करंट। आप कोई भी रैंडम डायरेक्शन ले लो, सॉल्व करो सर्किट, अगर आई पॉजिटिव आ जाता है That means आपने जो डायरेक्शन लिया था वो सही, नेगेटिव आता है तो गलत। इक्वेशन से फैजान ऐसे कि सब नेगेटिव है, कभी जीरो हो सकता है ये फैजान? बस ऐसे ही डिसाइड कर रहा है, तो यहाँ सब पॉजिटिव है, जीरो नहीं हो सकता, दैट मीन्स एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ और रहा होगा, वो फाइनल आंसर भी आपको बता दे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना आ गया, कोई और डाउट है तो बताओ, सर्किट सॉल्व करते हैं। चलो एक सिंगल सर्किट करते हैं, किरचॉफ लॉज में जितनी चीजें हो सकती हैं वो सब इसे एक सिंगल सर्किट में आ जाए।
चलिए इतना लिखिए फिर आगे स्टार्ट करें। क्वेश्चन लिख लीजिए फिर स्टार्ट करेंगे साथ में सॉल्व करते। दीपांशी डायरेक्शन ऑफ करंट गिवन नहीं होता है, किरचॉफ लॉ के सर्किट्स में डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं गिवन होता, वो आपका काम होता है डायरेक्शन ऑफ करंट किसी लॉजिक से अज्यूम कर। क्वेश्चन लिख लीजिए तो बताइए सर आप करता है जो कुछ भी किरचॉफ लॉ में करवा सकता है वो सब मैंने सर्किट में लिख दिया। उसकी जरूरत नहीं है, आप करंट का जो भी डायरेक्शन लोगे उसे आप एज्यूम करोगे। एग्जैक्ट डायरेक्शन आप देखकर डिसाइड नहीं कर सकते इवन थ्रू हाई वोल्टेज। सो देखो यहां पर एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा मुझे नहीं पता, हमें एज्यूम करना होगा कुछ डायरेक्शन, और जितना मिनिमम करंट हो उतना अच्छा है, जितने मिनिमम वेरिएबल्स उतना अच्छा है। तो किसी भी एक सेल से स्टार्ट कर दो, मान लो इस सेल से स्टार्ट कर रहे हैं, लिखना छोड़ दो जो मैं बता रहा हूँ उसे बहुत ढंग से समझो। किसी भी एक सेल से स्टार्ट करो, मान लीजिए सेल से स्टार्ट करते हैं, आई वन करंट बाहर जाएगा, जो करंट बाहर जाएगा सेम करंट शुड एंटर, पहला काम ये किया करो। तो आपको पता चल गया कि ये करंट आगे जितना भी डिवाइड हो जाए वापस जब आएगा तो I1 होगा। आगे आ जाइए, अब आपको जो ब्रांचिंग सिखाया था कि जहां ब्रांचिंग होगी वहां करंट डिवाइड होगा, जहां ब्रांचिंग नहीं है वहां करंट डिवाइड नहीं होगा। तो यहां तक करंट आएगा I1, यहां तक करंट आएगा I1, और ये यहां पहुंचेगा। डी पॉइंट पर पहुंचने के बाद करंट के पास दो पाथ है, एक पाथ है ये 2 ओम वाला और एक पाथ है ये 3 ओम वाला, दो पाथ है, करंट इन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। सो मान लीजिए यहां कुछ करंट गया I2, अब I1 में से I2 तो निकल गया, बचेगा कितना I1 माइनस I2, तो यहां से आप I1 माइनस I2 पास करा दो, यहां तक आया I1 माइनस I2, यहां तक आया I2, और ये है I1 माइनस I2। जंक्शन B पर ये दोनों करंट ऐड हो जाएंगे, और करंट ऐड होने के बाद I2 प्लस I1 माइनस I2 कैंसिल होकर कितना हो गया I1, तो देखो सब ऐड होकर दोबारा से I1 बना रहा है। तो जो करंट सेल से बाहर गया था सारे डिवीजन के बाद दोबारा वही करंट आ गया। अगर सेम करंट आ रहा है दैट मींस आप ठीक कर रहे, अगर ये आई वन ना आता मींस हमने बीच में कहीं कुछ गड़बड़ करी। ये बताइए डिवीजन ऑफ करंट समझ में आया, ये पर्टिकुलर डिवीजन जो मैंने लिया। और कोशिश किया करो आंसर्स प्राइवेटली मत दो, रिस्पॉन्स वो एवरीवन वाला जो क्वेश्चन है उसमें किया करो। अच्छा डिवीजन ले लिया किसी को परेशानी नहीं। अब ये डिवीजन तुम्हें क्या लगता है, इट्स अ यूनिक डिवीजन या और कई तरह से हम करंट को डिवाइड कर सकते हैं? ये डिवीजन यूनिक है और कई डिवीजन हो सकता है? ये करंट का डिवीजन यूनिक नहीं है, आप कई तरह से ले सकते हैं, देखो कई हो सकता है। इससे ले लो, यहां से कुछ करंट गया आई वन, फैजान करंट हीट की फॉर्म में लॉस नहीं होता, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट होती। करंट तो चार्ज है, चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज कहीं नहीं जाता, एनर्जी जाती है। फैजान एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट होती है, करंट नहीं, करंट तो कंजर्व रहता है सर्किट। एनर्जी तुम सही कह रहे हो, एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी। अब जैसे मान लो मैं ऐसे भी ले सकता था, यहां से I1 ले लूं, यहां I1 आया,
फिर मैं कह दूं कि आई वन दो पार्ट में डिवाइड हो गया, सर्किट आप सॉल्व कर लीजिए, रिजल्ट सेम आएगा. सो पहली चीज ये, सर्किट में सब लिख लो, दिस डिविजन इज नॉट यूनिक. करंट का डायरेक्शन लो सब, और करंट का डायरेक्शन लेने के बाद लिखो वहां दिस डिविजन इज नॉट यूनिक. ऐसा ना हो कि आपने कोई एक मेथड किया, बुक में किसी और तरह से डिविजन दिया हुआ है तो आप परेशान हो. और जब इतना डिविजन हो जाए तो मुझे बताइए. चलिए अब डिवीजन के बाद नंबर ऑफ वेरिएबल काउंट कीजिए, कितने वेरिएबल्स हैं. एक वेरिएबल है आई वन, दूसरा वेरिएबल आई टू. दो वेरिएबल्स के लिए दो लूप से इक्वेशंस बनानी होगी. अब यहाँ देखो कितने लूप हो सकते हैं. एक लूप हो सकता है ए डी बी ए, देखो चॉइसेस क्या क्या है, ए डी बी ए, एक ये लूप. दूसरा लूप हो सकता है डी बी सी डी. तीसरा हो सकता है ए बी सी डी ए, ये बाहर वाला ए बी सी डी. तो ये तीन ऑप्शन है, इन तीन में से कोई से भी दो लूप यूज कर लो, आपका आंसर सेम है. आपके पास तो दो वेरिएबल्स है ना, तो आपको दो इक्वेशन चाहिए, एक आई वन और एक आई टू के लिए. तो मैं एक ये वाला, तीन में से ये दो यूज कर लेता हूँ, दो छोटे लूप है, इन्हें ले लेता हूँ, आंसर सेम आएगा, कोई से भी दो ले लू. तो मैं यहां पर लूप चूज कर रहा हूं ए बी डी, और ये मैं प्रूफ करा चुका हूं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो जब आप ए से बी जाओगे, ए से बी कितना होगा, हायर टू लोअर जा रहे हैं तो माइनस टू, करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस टू आई वन, फिर करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो 2i2, फिर करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस ir4, i1 भाई ये 1 है ना, 1 into i1 1 हो जाएगा, फिर लोअर टू हायर जा रहे हो राइज तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2i1 और i1 3i1 हो गया, प्लस 2i2 माइनस वन इज जीरो, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन. ये इक्वेशन नंबर वन. इसमें बताइए इस लूप में कोई प्रॉब्लम है किसी को. भाई फर्स्ट इक्वेशन में कोई डाउट है जल्दी जल्दी बताओ. इसी को कोई डाउट नहीं, एक बार और बदल. तो देखिए अलीजा ए से बी जा रहे हैं, जब ए से बी जा रहे हैं तो पहले ये सेल आ रहा है ईएमएफ ईवन का, जिसमें आप हायर से लोअर जा रहे हो. जब आप हायर से लो जाओगे इट्स फॉल, एंड फॉल इज नेगेटिव, सो माइनस टू. फिर आप इस टू ओम के रजिस्टर में आ गए, इस टू ओम के रजिस्टर में आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे, करंट लेफ्ट में आप राइट में जा रहे हैं, सो दैट इज टू आई. फिर आप बी से डी जा रहे हो, करंट अपवर्ड से डी से बी, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इट्स प्लस टू आई. करंट डाउनवर्ड्स हो रहा है, हम अपवर्ड्स जा रहे हैं, तो अपवर्ड्स जब आप जाओगे इट्स प्लस आई वन. रेजिस्टेंस इज वन ओम, करंट इज आई वन, इट्स वन इंटू आई. फिर लोअर टू हायर, नेगेटिव से पॉजिटिव अपवर्ड्स जा रहे हो, इट्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, सो इट्स टू आई वन प्लस आई वन इज थ्री आई वन, प्लस टू आई टू माइनस वन इक्वल टू जीरो, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन. अलीजा अब क्लियर हो गया.
एक और लूप कंसिडर करते हैं, बी सी डी, बी सी डी। इस लूप में जब आप बी से सी जाओगे तो हायर से लोअर आ रहे हो, फॉल इट्स माइनस वन। करंट ऊपर जा रहा है, आप डाउनवर्ड्स आ रहे हैं, सो दैट्स प्लस वन इंटू करंट है आई वन माइनस आई टू। सी से डी जा रहे हो, थ्री ओम का रेजिस्टेंस है, सो दिस इज प्लस थ्री आई वन माइनस आई टू। लोअर टू हायर जा रहे हैं, राइज होगा, इट्स प्लस थ्री। फिर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में मोशन है, माइनस टू आई टू इज इक्वल टू जीरो। सो दोबारा देख लीजिए, बी से सी जा रहे हैं, हायर टू लोअर, फॉल हो रहा है माइनस वन, करंट अपवर्ड्स है, मोशन डाउनवर्ड्स, तो वोल्टेज पॉजिटिव होगा, रेजिस्टेंस इज वन ओम, करंट इज आई वन माइनस आई वन इंटू आई वन। फिर यहाँ करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस इज 3 ओम, करंट इज आई वन माइनस आई टू, प्लस 3 आई वन माइनस आई टू। लोअर टू हायर राइज प्लस 3 हो गया। आई टू में आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसके नेगेटिव, सो माइनस 1 प्लस आई वन माइनस आई टू प्लस 3 आई वन माइनस 3 आई टू प्लस 3 माइनस 2 आई टू इज 0। I1, I1 की दो टर्म्स है, प्लस 4 I1, I2, I2, I2 तीन टर्म्स है, माइनस 6 I2, माइनस 1 प्लस 3 इज प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां देखो आप 2 कॉमन ले जा सकते हो, तो ये आ जाएगा 2 I1 माइनस 3 I2 प्लस 2 इक्वल टू 0। सो ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास, इन्हें सॉल्व करने और आई वन आई टू कैलकुलेट करने, 1 होगा, हाँ भाई 1 होगा। आपको सिर्फ सॉल्व करना है इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को, ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है 1। तो आप एक काम करो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, एलिमिनेशन से कर ले, 1 बाय 1 को 2 से कर दो, तो ये आ जाएगा 6 आई 1 प्लस 2 आई टू माइनस 2 इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा दीपांशी बस अभी चेक कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6 आई वन माइनस 9 आई टू। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक, कर रहा हूँ कर रहा हूँ, 4 इक्वल टू 0, सो ये 4 आई। जैसे चाहो कर लो फैजान, जैसे चाहो कर लो, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 3 एंड 4। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहां साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 6 आई वन और 6 आई वन 0, 4 आई टू और 4 आई टू प्लस 13 आई टू प्लस 1 इक्वल टू 0, नहीं प्लस 1 नहीं, माइनस 5 इक्वल टू 0। आई टू आ गया 5 बाय 13 एम्पीयर। मैं देखने आया कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं इसमें,
प्लस 9 13 माइनस 2 माइनस 3 5 बचे। इसे चेक कर लो एक बार, यहां तक क्लियर है सबका? अब एक काम करो, इसे कहीं सब्स्टिट्यूट कर कर आई वन निकालो, फिर आगे सॉल्व करेंगे। इसे कहीं सब्स्टिट्यूट कर आई वन निकालो और मुझे बताओ यहां तक की कैलकुलेशंस में कहीं कोई डाउट है तो बताओ। दीपांशी एक बार कैलकुलेशन चेक करो अपने। इक्वेशन 3 गलत है, क्यों? दीपांशी तुम्हें जो एंट्रेंस देना है ना उसमें सारा खेल एक्यूरेसी का है, बहुत टफ न्यूमेरिकल्स नहीं होते, सारा खेल एक्यूरेसी का है। सेप्थ वाला जो नीट है वो सब एक्यूरेसी का गेम होगा, एक्यूरेसी एंड स्पीड। आई वन सबका 1/3 आ रहा है, मैं यकीन कर लू सब पर। धावल, मरियम, सनफ सबका 1/3 आ रहा है। जरूर चलिए, सबका एक ही आ रहा है तो 1/13 लिख देता हूं, 1/13 आ रहा है सबका। सो आई वन इज 1/13 है। सो जब भी आप किरचॉफ लॉ से कोई सर्किट सॉल्व करते हो, अब लिखना छोड़ दो, अगर इतना लिख लिया तो अब रुक जाओ, आगे की चीजें सीखो। किरचॉफ लॉ में जब आप सर्किट सॉल्व करते हैं तो पहला काम होता है करंट कैलकुलेट करना, वो आपसे कहे ना कहे करंट कैलकुलेट करने के लिए पहला काम होगा करंट कैलकुलेट करना, बाकी सारी चीजें उसके बाद आए। सो किरचॉफ लॉ से आप ऐसी सॉल्व करते हैं। और एक काम और करना, कोई ये बेवकूफी ना करे कि इक्वेशंस केसीएल से बना दे जंक्शन लॉ से, तो तीन दो वेरिएबल है ना, दो इक्वेशंस चाहिए। ऐसा हो सकता था कि इक्वेशंस में जंक्शन से बना दूं, बताएगा अगर मैं जंक्शन लॉ से इक्वेशंस बनाता तो क्या प्रॉब्लम आती? आपको तो दो इक्वेशंस चाहिए, केसीएल से बनाओ या केवीएल से बनाओ, दो वेरिएबल्स हैं। अगर मैं जंक्शन लॉ लगा देता तो क्या प्रॉब्लम होती तो बताएगा इसका फायदा? हाँ पता है रीजन, अगर आप जंक्शन लॉ लगाते तो प्रॉब्लम ये आ जाती कि ऑलरेडी ये जो मैंने डिवीजन लिया है जंक्शन लॉ से ही तो लिया है, यहाँ जो मैंने आई वन लिया है जंक्शन लॉ से ही तो लिया है। मैं यही तो मान रहा हूँ जितना करंट एंटर करेगा उतना बाहर जाएगा, जितना करंट एंटर करेगा उतना बाहर जाएगा। अगर आपने फिर से जंक्शन लॉ लगा दिया तो आप एक ही इक्वेशन दो तीन बार यूज कर। अब मैं आपसे कहूँ टू वेरिएबल में इक्वेशन से इसे सॉल्व कीजिए, भाई इसको इसके साथ थोड़े ना सॉल्व कर सकते, अलग अलग इक्वेशन चाहिए ना। तो अगर आपने जंक्शन लॉ लगा दिया दैट मीन्स यही चीज आप कई बार लिख रहे हैं, यहाँ भी यही चीज लिखेंगे, यहाँ भी यही चीज लिखेंगे, 0/0, 0 = 0 फॉर्म आ जाएगा। ये क्लियर है सबका कि जंक्शन लॉ से इक्वेशंस नहीं आएंगे? लिख लो गई। मोटा अगर आपने यहां जंक्शन लॉ लगा दिया तो जंक्शन लॉ के बाद देखो इक्वेशन क्या बनेगी, I1 + I2 इक्वेशन होगी, I1 = I2 + I1 - I2, I2 से I2, I1 से I1, 0 = 0। रीजन ये होगा कि ये जो आप डिवीजन ले रहे हो ना, ये डिवीजन जंक्शन लॉ से ही तो ले रहे हैं। यही तो कह रहा हूं कि मैं आई वन आया, आई टू इधर चला गया, बचा हुआ यहां चला जाएगा, जंक्शन लॉ ऑलरेडी लगा चुका हूं। ये जो आई वन आई टू की वैल्यूज है जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग, एक सिस्टम में बार बार एक ही इक्वेशन थोड़े ना यूज कर सकते। तो ये जो भी इक्वेशंस आएंगी ये सारी इक्वेशन लूप लॉ से आएंगी, जंक्शन लॉ से नहीं आएगी। फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी इक्वेशन आप जंक्शन लॉ से नहीं बनाओगे क्योंकि जंक्शन लॉ ऑलरेडी करंट डिवीजन में आप यूज कर चुके हो। आपको सारी इक्वेशंस लूप लॉ से बनानी, वोल्टेज लॉ से।
व्हाट अब हुआ क्लियर? अच्छा एक चीज और अच्छी हुई, देखो दोनों करंट पॉजिटिव आ रहे हैं, दोनों करंट पॉजिटिव होने का मतलब है कि मैंने जो डायरेक्शंस एज्यूम करे थे वो अजम्पशन ठीक है। अगर मैं अजम्पशन ऑपोजिट ले लेता इसकी तो डायरेक्शंस अलग अलग होती, तो हो सकता था एक करंट पॉजिटिव आता दूसरा करंट नेगेटिव होता। ऐसा हो सकता था कि एक डायरेक्शन पॉजिटिव होता दूसरा नेगेटिव हो जाता, लेकिन दोनों डायरेक्शंस पॉजिटिव है दैट मींस हमारे करंट के डायरेक्शंस ठीक लिए। अब सेकंड पार्ट में जरा मुझे बता दो, सेकंड पार्ट था क्या, किसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए? सेकंड पार्ट में किसके अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना? आर के अक्रॉस। सेकंड पार्ट में चाहिए वोल्टेज अक्रॉस आर। तो भाई आर के अक्रॉस तो वोल्टेज आई आर होगा, करंट कितना जा रहा है आई टू, आर कितना है टू, आई टू क्या था 5/13 मल्टीप्लाइड बाय, सो ये वोल्टेज हो गया इट्स 10/13। तो ये वो वोल्टेज है जो आर के अक्रॉस जा रहा है। अच्छा इसके बाद थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में बताओ थर्ड पार्ट में क्या चाहिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किन सेल्स के अक्रॉस चाहिए? E3 के अक्रॉस चाहिए और E4 के अक्रॉस। कहाँ गया E3? ये रहा, मुझे देखकर बता सकते हो E3 चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है? E4 सॉरी, ये ना E4, ये रहा। सर्किट देख कर बता दो ये चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है। E4 में डायरेक्शन ऑफ करंट देखो, नेगेटिव से करंट बाहर निकलता है और पॉजिटिव से एंटर कर जाता है। करंट नेगेटिव से बाहर जाएगा पॉजिटिव में एंटर कर जाएगा। तो करंट अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है सो E4 चार्ज हो, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चार्जिंग में सिखाया था E+IR। करंट क्या फ्लो कर रहा है इससे? I1, टर्मिनल इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो V4 हो गया E4, E4 कितना है 1 प्लस I1 इज 1/13, R4 is 1, 14/13. This is terminal potential difference across E4. इसी तरह से अगर E3 के across terminal potential difference चाहिए, जरा चेक करके बताओ E3 के साथ क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है E3 जरा चेक कीजिए। यहां भी नेगेटिव से पॉजिटिव, ये भी चार्ज हो रहा है, सिर्फ एक ये दोनों डिस्चार्ज हो रहे हैं, ये E3 भी चार्ज हो रहा है। तो चार्ज होने का मतलब है यहां भी V3 होगा E3 प्लस करंट कितना है I1 - I2, रेजिस्टेंस कितना है R3। सो V3 आ गया 3 कितना था 3 वोल्ट, I1 - I2 5/13,
into R3, it's 3. So V3 aa gaya 3 minus तो ये आ गया 39 माइनस 10 29 27 बाय 30 अच्छा इसके बाद चलिए इतना लिखिए फिर और पार्ट्स देखेंगे और मुझे बताइए यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है देखो किरचॉफ लॉ में सबसे अच्छी चीज ये है कि किरचॉफ लॉ के बाद आपको बहुत ज्यादा मेथड नहीं सीखना जिस सीरीज पैरेलल में तो दिमाग सर में दर्द हो जाता है शॉर्ट सर्किट सीखो सब अलग अलग मेथड सीखने होते हैं किरचॉफ लॉ में कुछ नहीं सीखना सिर्फ किरचॉफ लॉ सीखना है और सीधे सीधे अप्लाई करते चले अलमास डिस्चार्ज तो तब होता है ना जब करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है थ्रू द सर्किट सर्किट में नेगेटिव से पॉजिटिव जाए हाँ अब एक्चुअल में चलो अलमास ने ये सही क्वेश्चन उठा लिया भाई सुनो सब चीजें एक चीज और सुन लो भाई ये सुनो जरा जब मैं आई वन माइनस आई टू ले रहा हूं तो आई वन माइनस आई टू कैसा आ रहा है माइनस फोर बाय थर्टी करंट नेगेटिव आ गया ना आई वन माइनस आई टू इट्स माइनस फोर बाय थर्टी दैट मीन्स एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स जो मैंने डायरेक्शन लिया है I1 minus I2 का डायरेक्शन ये नहीं है I1 minus I2 का डायरेक्शन रिवर्स है बट उसकी आप टेंशन मत लीजिए अलमास ये इक्वेशन सब कुछ अपने आप सेट कर देंगे देखो उसने अपने आप बता दिया कि ये डिस्चार्ज हो रहा है आपने जो करंट का डायरेक्शन लिया है आप अपना चार्ज डिस्चार्ज अपने अकॉर्डिंग बताओ ये फाइनल इक्वेशन सेट कर देंगे अगर कहीं किसी डायरेक्शन में प्रॉब्लम है तो यस एक्चुअल में देखो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना तो एक्चुअल में ये डिस्चार्ज हो रहा था लेकिन यहां डायरेक्शन रिवर्स करने की जरूरत नहीं है आपने जो डायरेक्शन लिया उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर इतना लिख लीजिए और मुझे बताइए इतना हो जाए फिर नेक्स्ट करते हैं पावर डिसिपेटेड तुम्हें सिर्फ अगर किरचॉफ लॉ आता है तो तुम सारे सर्किट सॉल्व कर दो कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं वो सब सीरीज पैरेलल ऑफ सेल सीरीज पैरेलल रेजिस्टर सब बेकार की चीजें हैं अगर आप किरचॉफ लॉ जानते हैं हर सर्किट किरचॉफ लॉ से कैलकुलेट हो सकता है अच्छा इसके बाद बताइए मुझे थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ पार्ट में क्या पूछ रहे जंक्शन लॉ वायलेट नहीं होगा डी पॉइंट पर नहीं होगा सही सॉरी नहीं होगा इन दोनों का सम आई टू के इक्वल हो जाएगा ना जब डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो आई टू माइनस आई वन लिखना होगा तो ही जो आप पूछ रहे हो उसमें आई टू माइनस आई वन लिख देंगे आप तो वायलेट नहीं होगा अब आप E4 में डायरेक्शन ऑफ करंट है देखो नेगेटिव से पॉजिटिव अगर डायरेक्शन करंट नेगेटिव से पॉजिटिव है दैट मींस चार्ज होता है या देखो E1 में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है पॉजिटिव से बाहर गया नेगेटिव से एंटर कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव तो ये डिस्चार्ज हो रहा लेकिन यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव है इसलिए चार्ज हो रहा अगर करंट नेगेटिव से पॉजिटिव है तो चार्ज होता है पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है करंट थ्रू द सर्किट तो डिस्चार्ज होता है नेक्स्ट चाहिए आपको पावर डिसिपेटेड अक्रॉस आर सो आर के अक्रॉस पावर डिसिपेट कैलकुलेट करने के लिए पावर होता है आई स्क्वायर आर
आई क्या है, आई टू, और आर कितना है, टू, तो पी आ गया आई टू स्क्वायर इंटू टू। आई टू कितना है, आई टू था 12/13। अच्छा 5/13, तो ये आ जाएगा 25/250/169। इतना लिखिए, फिर लास्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं, वो सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है, कहीं भी दो पॉइंट्स दे देता है, कहता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। देखो फैजान, इलेक्ट्रॉन्स को मेटल से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, टॉप सरफेस से निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं वर्क फंक्शन। तो अगर आप टॉप सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी दे दो तो बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। लेकिन जब करंट फ्लो करता है ना, तो करंट फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, एक फील्ड की वजह से। वो फील्ड मेंटेन करती है कि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर ही मूव करते हैं, फील्ड फोर्स करती है इलेक्ट्रॉन्स को। अरे कंडक्टर हटा दो, अगर तुमने फील्ड अप्लाई करी और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ले लिए फ्री स्पेस में भी, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, बाहर नहीं आएंगे। दोबारा सुन लो फैजान, अगर मैं एक मेटल लेता हूं, मेटल की फ्री सरफेस है, यहां इलेक्ट्रॉन्स है, वर्क फंक्शन मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, दैट्स फोटोइलेक्ट्रिक। लेकिन जब यहाँ करंट फ्लो करेगा ना, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसे एक ही पाथ पे मूव कराएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ नहीं करेगी कि ये बाहर चला। बहुत ही ज्यादा एनर्जी दे दो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी को एक्सीड कर दे तो हो सकता है बाहर आ जाए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बाहर गया। अच्छा, पावर डिसिपेटेड के बाद बताइए मुझे और क्या कैलकुलेट करना था इसमें। पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए एसी के अक्रॉस, पॉइंट ए और पॉइंट सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। सो देखो, ए और सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप कोई भी एक पाथ चूज कर लो जो ए से शुरू हो और सी पर जाकर खत्म। तो मान लो मैं एडीसी चूज कर लेता, आपकी मर्जी है, आप ए बी सी से भी जा सकते हो, आप ऐसी भी कर सकते हो, ए से डी जाओ, डी से बी जाओ, बी से सी जाओ, आपकी मर्जी है ना। ए डी सी चूज करो, ए पॉइंट का पोटेंशियल वी ए लिख दो। आप ये जितने भी पॉइंट्स हैं सबके पोटेंशियल डिफरेंस लेते रहो एज पर साइन कन्वेंशन। तो यहां से ए से डी जा रहे हो, हाई टू लोअर फॉल नेगेटिव, तो -1। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, -I1 × 1। राइट में जा रहे हो, सेल है हाई टू लोअर, -3। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो,
करंट कितना I1 माइनस I2 मल्टीप्लाइड बाय 3। सी पॉइंट का पोटेंशियल सी मान लेते हैं, वीसी मान लेते हैं, इज इक्वल टू 0। वी ए माइनस वी सी इज 1 प्लस I1 प्लस 3 प्लस I1 माइनस I2 मल्टीप्लाइड। वन प्लस आई अब वैल्यू रख दो भाई। इक्वेशन यहां तक समझ में आया सबको? किसी भी पाथ से चले जाओ अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, किसी भी पाथ से चले जाओ और पोटेंशियल ऐड करते चले जाओ। वैल्यू रख दीजिए, I1 था 1/13 प्लस 3, इट्स 1/13 माइनस 5/13 मल्टीप्लाइड बाय 3। फोर प्लस 1/13 माइनस 4/13 इंटू 3। तो ये आ गया 4 + 1/13 माइनस 12/13 42 माइनस 11 31/13। सो ये वी ए माइनस वी सी ये इंपॉर्टेंट है। कहीं भी कोई पॉइंट्स दे देगा दो कहेगा उन पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। इतना लिख लो, माइनस 11/13 हाँ 40। सो किरचॉफ लॉ से जो कुछ भी पूछा जा सकता है वो ये सारे पार्ट से, सिर्फ एक आर इक्विवेलेंट निकालना नहीं सीखा हमने आज, तो इसको यही छोड़ेंगे। कल जो क्लास होगी उसमें देखेंगे किरचॉफ लॉ यूज कर आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगा। हाँ बजाज, ओके लाफिज। चलिए आज यही छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ किसी आप ये आपको होमवर्क करके देखो, इस न्यूमेरिकल को कई तरह से अलग अलग पाथ से कैलकुलेट करो, ए बी सी से, ए डी बी सी से, हर जगह से पाथ सेम, आंसर सेम आना चाहिए।